नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं होता है कि शुरुआत में हमें किस तरह के जो है प्लांट्स लगाना चाहते हैं। शुरू में ही जो है हम डेलिकेट प्लांट्स लगा लेते हैं और उन्हें उनकी केयर के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि कैसी करनी है, और वो जो प्लांट्स हैं हमसे सूख जाते हैं या मर जाते हैं, और उनके साथ जो है हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि गार्डनिंग जो है हमारी बस की बात नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो कि काफ़ी हार्डी होते हैं और थोड़े से केयर में भी बहुत अच्छे से जो है ये प्लांट्स चल जाते हैं, और ये प्लांट्स अगर हम लगाते तो हम में जो है काफ़ी अच्छा जो है उत्साह आएगा कि हम भी जो है प्लांट्स लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है मनी प्लांट, और ये जो प्लांट है काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है। एक बार इसे हम हमारे गार्डन में ऐड करते तो हमेशा के लिए जो है हमारे गार्डन का ये प्लांट हो जाता है। इस तरह से जो है हम इसे मॉस स्टिक में और हैंगिंग बास्केट में आप देख सकते हो, और इसे जो है हम नीचे पॉट में भी जो है ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी ईजीली जो है ये प्लांट प्रोपोगेट हो जाता है। इसे जो है इसकी कटिंग जो है हम मिट्टी में भी पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और छोटे से छोटे पॉट में और बड़े पॉट में सभी में जो है ये प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये जो प्लांट है शेड लविंग प्लांट है, इसे भी जो है खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। साल में दो बार भी हम इसे फर्टिलाइज़र दे देते तो भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चलता है, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है सेंसिवेरिया, तो ये भी जो प्लांट है काफ़ी हार्डी प्लांट है और इसे जो है बस मिट्टी चाहिए होती है ग्रो होने के लिए। इसे चाहे हम खाद दे या ना दे, इसकी केयर करें या ना करें, तो भी जो है ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चलता है। और आप देख सकते हो ये अपने आप जो है डिवाइड होते जाता है, इसके हम कई सारे जो है प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, और इसे जो है हम शेड में और सेमी शेड में दोनों में भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। और एक बार लगा के हम इसे छोड़ दें तो इसे दोबारा जैसे हम नहीं भी इसकी केयर करते तो भी ये प्लांट अच्छे से चलते रहता है। नेक्स्ट सुपर हार्डी प्लांट है स्नेक प्लांट, जिसे हिंदी में नागफनी भी बोलते हैं, और ये एयर प्योरीफायर प्लांट है। ये हवा को शुद्ध भी करता है, और ये जो प्लांट है शेड में और फुल सनलाइट में भी ग्रो हो जाता है, और इसे भी जो है किसी स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी तरह की मिट्टी में हम इसे लगा देते हैं तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। इसे हम लीफ से और डिवाइड करके भी हम इसके कई सारे जो है प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। एक बार ये भी प्लांट हमारे गार्डन में आ जाता है तो ये भी हमारे गार्डन में सालों साल ये प्लांट बना रहता है, और इसे भी जो है ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। साल में एक बार भी हम इसे खाद देते तो भी चलता है। नेक्स्ट पॉपुलर हाउस प्लांट है सिंगोनियम, और जिसे एरोहेड भी बोलते हैं, और ये भी प्लांट जो है काफ़ी सुपर हार्डी प्लांट है। इसे भी जो है केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। एक बार इसे हम लगा के छोड़ दो, अगर इसकी हम केयर करें या ना करें, इसे हम फर्टिलाइज़र दे या ना दे, तो भी ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करता रहता है। और ये जो प्लांट है शेड में और सेमी शेड में दोनों में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। कटिंग से भी जो है ये प्लांट जो है इजीली प्रोपोगेट हो जाता है, तो इस प्लांट को भी जो है आप ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट, ये भी जो प्लांट है काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है, और ये प्लांट जो है शेड में और सेमी शेड में दोनों में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है, और इसमें से जो है रनर्स निकलते हैं उनसे हम इसके जो है हज़ारों प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं। और ये भी जो प्लांट है छोटे से पॉट में और बड़े से पॉट में भी ग्रो हो जाता है, इसे हम हैंगिंग पॉट में भी लगाते हैं तो भी काफ़ी सुंदर लगता है ये प्लांट। और इसे जो है आप अगर बिगनर्स हो तो इस प्लांट को जो है आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, और साल में जैसे दो बार भी हम इसे फर्टिलाइज़र दे देते तो भी जो है ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए छोटे से टी पॉट में लगाए और इसमें ड्रेनेज होल भी नहीं बनाए, फिर भी ये कितने अच्छे से चल रहा है, तो काफ़ी हार्डी प्लांट है, इसे आप ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट सुपर हार्डी प्लांट है ये है बेबी डॉल ड्रेसिना, और ये ड्रेसिना की एक वैरायटी काफ़ी हार्डी प्लांट है, काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है, और इसे जो है हम छोटे से पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं 8 इंची से लेकर 10 इंची के। और ये भी जो प्लांट है शेड में और सेमी शेड में दोनों में भी ग्रो हो जाता है, और कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है, पानी में मिट्टी में दोनों में भी हम इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है हमारे गार्डन में काफ़ी कलर्स को भी ऐड करता है, इसे भी आप ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट प्लांट है अरेका पाम, अगर आप बिगनर्स हो तो आप अरेका पाम को ज़रूर ग्रो करिए। ये भी प्लांट जो है इसे भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, साल में अगर हम दो बार भी इसे फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है।
और इसे जो है मतलब शेड में और सेमी शेड में दोनों में भी हम ग्रो कर सकते हैं। और इसे भी इसमें भी जो है ज़्यादा पेस्ट का अटैक हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इस प्लांट को भी जो है आप इजीली ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है ये वांडरिंग, जो आप देख सकते हैं ऊपर से इसके पत्तियों का कलर ग्रीन होता है और नीचे से पर्पल शेड। और इसके भी जो है छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है, छोटे से पॉट में, बड़े से पॉट में, हैंगिंग पॉट में भी ये जो प्लांट है काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसे भी जो है हम साल में एक बार भी हम इसमें फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चलता है। और ये जो प्लांट है शेड में और मतलब फुल सनलाइट में भी इसे अगर हम लगते हैं तो भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चलता है। नेक्स्ट प्लांट है पर्पल हार्ट, ये भी प्लांट जो है काफ़ी ईजी टू ग्रो प्लांट है, छोटे से छोटे पॉट में और बड़े पॉट में भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है, हैंगिंग पॉट में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें जो है पर्पल कलर के फ्लावर्स भी खिलते हैं, इसकी कटिंग भी जो है इजी लग जाती है। इसे भी जो है हम शेड में और फुल सनलाइट में दोनों में भी ग्रो कर सकते हैं। और इसे भी हम साल में एक या दो बार भी हम खाद दे देते तो भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे चलता है। नेक्स्ट प्लांट है जेड प्लांट, ये भी जो प्लांट है किसी भी तरह की मिट्टी में हम इसे लगा देते तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, इसकी कटिंग भी जो है ईजिली ग्रो हो जाती है। और ये भी जो प्लांट है काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा भी केयर की ज़रूरत नहीं होती। इसे भी जो है हम सेमी शेड और शेड में दोनों में भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। साल में जो है हम इसे दो बार भी हम फर्टिलाइज़र दे देते हैं, खाद देते तो भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। इसे जो है हम पॉट में भी, हैंगिंग बास्केट में भी, दोनों में भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये है एग्लोनिमा, जिसे चाइनीज़ एवरग्रीन भी बोलते हैं। और आप देख सकते हो इसे जो है मैंने डिवाइड करके इसके कई सारे जो है प्लांट्स तैयार कर लिए। ये भी प्लांट जो है सुपर हार्डी प्लांट है, इसे भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। साल में जो है हम इसे एक बार भी खाद दे देते तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। और ये जो प्लांट है शेड में और सेमी शेड में दोनों में भी ग्रो हो जाता है। और इसे जो है हम डिवाइड करके इस तरह से हम इसके कई सारे जो है प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो इसे भी जो है आप ज़रूर ग्रो करें अगर आप बिगनर्स हो तो, ये भी प्लांट जो है काफ़ी ईजी टू ग्रो प्लांट है। नेक्स्ट सुपर हार्डी प्लांट है ये है रियो का प्लांट, जिसे ओरिएस्टर भी बोलते हैं और बोट लिली भी बोलते हैं। इसे भी जो है एक बार हम किसी भी मिट्टी में जैसे लगा देते हैं, इसे जो है हम खाद दे या ना दे, इसकी केयर करें या ना करें तो भी ये जो प्लांट है काफ़ी अच्छे से ग्रो होते रहता है। और आप इसकी लीव देख सकते हो ऊपर से ग्रीन, नीचे से जो है पर्पल शेड की होती है। छोटे भी पॉट में और बड़े पॉट में, हैंगिंग पॉट में भी जो है ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है, अगर आप बिगनर्स हो तो इस प्लांट को जो है आप ज़रूर ग्रो करें, बहुत ही बढ़िया प्लांट। फ्रेंड्स ये जो सारे प्लांट्स ऐसे हैं इनमें जो है पेस्ट का अटैक बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप भी इन प्लांट्स को लगाइए और अपने आसपास जो है ग्रीनरी को बनाए रखें। तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।